नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास पटेल। आईपीएल 2022 के 20वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक दूसरे से भिड़ रही थी। पहले राजस्थान बल्लेबाजी करने के लिए आई और बल्लेबाजी ठीक ना हो सकी, विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन इस मैच में एक ऐसा वाकया हुआ जो आईपीएल में पहली बार हुआ। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक की पूरी आईपीएल हिस्ट्री में हुआ ही नहीं था। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इस मैच के 19वें ओवर में हुआ और पहली बार आईपीएल के इतिहास में किसी खिलाड़ी को रिटायर्ड आउट किया गया। ये खिलाड़ी थे रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने 26 रन जरूर बनाए, लेकिन 19वें ओवर खेलने के बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने एक शॉट लगाया सिंगल के लिए, लेकिन सिंगल करते हुए वो सीधे डगआउट में चले गए। वो रुके नहीं क्रीज पर, वो सीधे डगआउट में चले गए क्योंकि उनको डगआउट की तरफ से इशारा कर दिया गया था कि आपको रिटायर्ड आउट होना है। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये सस्पेंस बना हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, रविचंद्रन अश्विन को क्यों वापस बुलाया गया, ऐसा क्या हो गया था, क्या वो चोटिल हो गए थे, क्या उन्हें कुछ मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, ऐसा कारण था क्या, और क्या ऐसा पॉसिबल भी है, क्या ऐसा हो भी सकता है कि किसी खिलाड़ी को बीच में से आप ऐसे बुला लो, ऐसा हो सकता है या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सारे सस्पेंस को हम खोल देते हैं। देखिए, नियमों के मुताबिक, आईपीएल के नियमों के मुताबिक ये करना बिल्कुल ठीक था। रिटायर्ड आउट एक खिलाड़ी तब होता है जब टीम गेंदों को बर्बाद नहीं करना चाहती है। ऐसे में रिटायर्ड आउट तब किया जाता है जब कोई खिलाड़ी क्रीज पर खेल रहा हो लेकिन उससे भी अच्छा खिलाड़ी जो कि हिटिंग कर सके वो पीछे उपलब्ध हो और लेकिन गेंदें ना बची हो, तो ऐसे में टीमें करती हैं, उस खिलाड़ी को रिटायर्ड करती हैं और जो खिलाड़ी हिटिंग कर सकता है उसे क्रीज में लेकर आती है। यही किया राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में और रविचंद्रन अश्विन को 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर वापस बुला लिया और भेजा गया रियान पराग को। जी हाँ, रियान पराग को, जो राजस्थान रॉयल्स की टीम के एक अच्छे प्लेयर हैं, और गए जाते ही रियान पराग ने एक छक्का भी लगाया और कुल 8 रन बनाए। हालांकि आउट भी हो गए वो, लेकिन एक छक्का जरूर लगाया। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने इस पारी में 26 रन बनाए और रिटायर्ड आउट हो गए, जैसे कि हमने आपको बताया। पूरा आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था और रविचंद्रन अश्विन बने आईपीएल इतिहास के वो पहले खिलाड़ी जो रिटायर्ड आउट हुए। तो इस मैच में हमने ये जरूर देखा कि ऐसा भी हो सकता है, ये पूरी की तरह से आईपीएल के नियमों के अंदर ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये खबर आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। स्पोर्ट्स और आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए स्पोर्ट्स फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।